गुड डे टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर ममता चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDP गर्ल्स कॉलेज, कोटा। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है MSc सेमेस्टर थर्ड का पेपर, एडवांस प्लांट पैथोलॉजी। इसका यूनिट वन का टॉपिक है डिजीज फोरकास्टिंग। वॉट इज डिजीज फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग ऑफ प्लांट डिजीजेज मीन्स प्रिडिक्शन फॉर द अक्रेंस ऑफ प्लांट डिजीज इन ए स्पेसिफाइड एरिया, यानी आप इसमें किसी भी स्पेसिफाइड एरिया में होने वाली डिजीज का पूर्वानुमान लगा सकते हो। और अगर आपको उस डिजीज के बारे में पूर्वानुमान लग गया तो आप उस डिजीज से होने वाले नुकसान को रोक सकते हो। डिजीज फोरकास्ट आर प्रिडिक्शंस ऑफ प्रोबेबल आउटब्रेक और इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ डिजीज। तो जो भी डिजीज फोरकास्ट है उसमें सारे वो प्रिडिक्शंस होते हैं कि इस डिजीज से कितना किसी फसल को नुकसान हो सकता है। इट इज़ यूज एज एन एड टू द टाइमली एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल्स। डिजीज फॉरकास्टिंग मैथड्स आर अवेलेबल फॉर वेरियस डिजीज। फोरकास्टिंग इन्वॉल्व ऑल द एक्टिविटी इन असरटेनिंग एंड द नोटिफाइंग द ग्रोअर्स ऑफ कम्युनिटी दैट कंडीशंस आर सफिशियंटली फेवरेबल फॉर सर्टेन डिजीजेज, दैट एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स विल रिजल्ट इन इकोनॉमिक गेन, और ऑन द अदर हैंड just as important that the amount expected is likely to be enough to justify the expenditure of time, energy and money for control. तो disease forecasting में जो farmers हैं, जो growers हैं, उनको forecasting के through बता दिया जाता है कि क्या environmental conditions हैं जिसकी वजह से ये disease फैलने की जो है, ये disease जो है महामारी के रूप में फैल सकती है, एपिडेमिक के रूप में फैल सकती है। तो इसके लिए क्या आवश्यक कंट्रोल मीजर कर सकते हैं हम, क्या नियंत्रण उपाय कर सकते हैं डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो इकोनॉमिक लॉस है, जो भी उत्पादन है, उस पर ज़्यादा बुरा असर ना पड़े, उत्पादन को बचाया जा सके। दिस पिक्चर शो डिजीज ट्राइंगल। इन फर्स्ट पिक्चर तीन मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी डिजीज़ को होने के लिए, कि एक होस्ट चाहिए जिस पे वो पैथोजन अटैक करेगा उस, या पैथोजन अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेगा। तो पहला जो फैक्टर है वो है ससेप्टिबल होस्ट, दूसरा है पैथोजन, और तीसरा है कंडक्टिव एनवायरनमेंट। अगर ये तीनों मिल जाते हैं फैक्टर्स तो किसी भी प्लांट के अंदर या होस्ट में डिजीज़ उत्पन्न होती है। सेकेंड डायग्राम में ये शो किया गया है कि डिजीज़ जो है होस्ट मैन या जो टाइम उसको दे रहा है, और पैथोजन है, और एनवायरनमेंट, ये चारों फैक्टर है, टाइम, पैथोजन, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ये चारों फैक्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं किसी भी प्लांट डिजीज़ को होने के लिए। फोरकास्टिंग सिस्टम का इतिहास क्या है? इन 1911 वन ऑफ द फर्स्ट टाइम टू एट प्रिडिक्टिंग एल बी यानी लेट ब्लाइट was made by Luttmann, who concluded that epidemics were favored in wet and cold conditions. जो Luttmann scientist थे उन्होंने बताया कि late blight disease जो है वो epidemic के रूप में यानी महामारी के रूप में किसी क्षेत्र में तभी फैलेगी जब ये depend करेगा wet environment और cold conditions पे। अगर environment cold है, wet है, तो ये disease जो है तेज़ी से फैलेगी। 1926 में वॉन एवर्डिंजन ने बताया कि किसी भी डिजीज़ जैसे कि लेट ब्लाइट LB डेवलपमेंट यानी लेट ब्लाइट डिजीज़ के विकास के लिए या लेट ब्लाइट डिजीज़ होने के लिए क्या क्या चार एनवायरमेंटल फैक्टर्स होने चाहिए। फर्स्ट, नाइट टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। सेकेंड, मिनिमम टेम्परेचर नो लोअर देन 10 डिग्री सेल्सियस। क्लाउड कवर द फॉलोइंग डे। रेनफॉल इन एक्सेस ऑफ 0.1 mm। तो ये चार फैक्टर्स हैं, अगर ये चार फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं तो लेट ब्लाइट डिजीज़ जो है वो तेज़ी से फैलेगी। इन 1933 ब्यूमोंट एंड स्टेन्यूलिन एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमिडिटी फॉर लेट ब्लाइट अग्रेंस। दे कंसिडर्ड ए डे ह्यूमिड वेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट 3 PM वॉज हायर देन 75%। कंडीशंस वर इवन मोर फेवरेबल फॉर लेट ब्लाइट डेवलपमेंट with the two consecutive humid days and when the minimum temperature was not lower than 10 degrees Celsius। तो ब्यूमोंट ने भी बताया कि जो लेट ब्लाइट डिजीज़ है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% से ज़्यादा है तो डिजीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से फैलेगी।
और टेम्परेचर भी इसमें है कि 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो भी डिजीज तेजी से फैलती है। 1953 बर्के डिस्क्राइब द आयरिश रूल्स दैट मिनिमम टेम्परेचर नो लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी नो लोअर देन 90% फॉर 12 आवर्स। तो उन्होंने बताया कि आयरिश रूल दिया जिसके अकॉर्डिंग अगर मिनिमम टेम्परेचर 10 से कम होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% से कम होती है 12 घंटे के लिए तो जो है डिजीज़ का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होगा फैलने का। 1956 स्मिथ पीरियड दैट द टू कॉन्जिक्यूटिव डेज विद मिनिमम टेम्परेचर अबाउ 10 डिग्री सेल्सियस एंड एटलीस्ट 10 आवर्स विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी अबाउ 90%। इन्होंने ही बताया किसी भी डिजीज़ को फैलने के लिए अगर लगातार 2 दिन तक टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी 90% हो और वो 10 आवर्स के लिए रहती है तो भी डिजीज़ कोई भी डिजीज़ जो है वो तेज़ी से फैल सकती है। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज़ फॉरकास्टिंग बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द पैथोजन। कोई भी डिजीज़ जो है उसकी फॉरकास्टिंग के लिए हमें क्या प्रिंसिपल चाहिए या उसके लिए क्या सिद्धांत है? सबसे पहले हमें जो पैथोजन है उसका नेचर पता होना चाहिए। पैथोजन जो है वो मोनोसाइक्लिक है या पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक है यानी एक ही साइकिल है या उसकी कई सारी साइकिल हैं डिजीज़ की, यानी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहा है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, ये सारा हमें पता होना चाहिए। दूसरा, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन स्टेजेस ऑफ पैथोजन डेवलपमेंट। इसके अलावा पैथोजन के विकास के लिए जो एनवायरनमेंट है उसका क्या असर पड़ता है पैथोजन के डिफरेंट स्टेजेस पे, तो ये भी हमें पता होना चाहिए तभी हम डिजीज़ फॉरकास्ट कर पाएंगे। थर्ड फैक्टर है द रेस्पॉन्स ऑफ द होस्ट टू इन्फेक्शन, कि जो होस्ट है वो कितना डिजीज़ के लिए ससेप्टिबल है या रेजिस्टेंस है। अगर वो ससेप्टिबल है तो इन्फेक्शन तेज़ी से होगा प्लांट में, अगर रेजिस्टेंस है तो वो इतना तेज़ी से इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्रोअर्स दैट अफेक्ट द पैथोजन और द होस्ट। तो जो ग्रोअर है यानी जो फार्मर्स है उसकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो वो खेती के दौरान करता है तो उसका भी पैथोजन और होस्ट पर काफ़ी असर पड़ता है। जैसे कि अगर फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे दिया फार्मर ने तो भी जो डिजीज़ है वो तेज़ी से होती है। नेक्स्ट है मॉडल्स फॉर डिजीज़ प्रिडिक्शन। आपको किसी डिजीज़ का प्रिडिक्शन करना हो तो उसके लिए डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं। फर्स्ट है इम्पिरिकल मॉडल्स, जो कि ये जो मॉडल है ये प्लांट ग्रोअर्स यानी फार्मर्स और साइंटिस्ट इन दोनों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये मॉडल तैयार किया गया है। सिमुलेशन मॉडल जो है ये थ्योरेटिकल रिलेशनशिप पे बनाया गया है, यानी कि क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, कितना आप उसको फर्टिलाइज़र दे रहे हो, जो कितना आप इरिगेशन कर रहे हो, ये सारा डिपेंड करता है। थर्ड है जनरल सर्कुलेशन मॉडल GCM। इट इज़ बेस्ड ऑन फिक्स्ड चेंजेस इन टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन हैज़ बीन यूज्ड टू प्रेडिक्ट द एक्सपेंशन रेंज ऑफ सम डिजीज़ेस नॉट सक्सेसफुल। तो ये भी एक मॉडल है जिसके आधार पर डिजीज़ का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये जो तीनों मॉडल्स दिए गए इनमें ये प्रॉब्लम है कि एक तो इसमें निश्चितता नहीं है, यानी इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। सेकेंड, नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेटिक वेरिएबल एंड एपिडेमिक पैरामीटर्स। दूसरा ये है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस में और एपिडेमिक पैरामीटर्स जो हैं इन दोनों में जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए भी प्रिडिक्शन करने में दिक्कत आती है। पोटेंशियल फॉर अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड पैथोजन। प्लांट्स और पैथोजन इन दोनों के इंट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशंस हैं, उनकी क्या एफिशिएंसी है, क्या क्षमता है, उस पर भी जो है डिजीज प्रिडिक्शन डिपेंड करता है। नेक्स्ट है व्हाट आर यूजेस ऑफ डिजीज़ फॉरकास्ट, कि जो रोगों का जो पूर्वानुमान लगाया जाता है उसका हमें क्या फ़ायदा मिलता है, क्या लाभ मिलता है। फॉर वार्निंग और असेसमेंट ऑफ डिजीज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फॉर टाइमली प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, पहला यूज़ तो ये होगा कि आप उस डिजीज़ के अकर होने से पहले और उसके बुरे प्रभाव के आने से पहले, यानी इकोनॉमिक ईल्ड को डैमेज किए बिना पहले ही आप उस डिजीज़ का अगर फॉरकास्ट कर लेते हो तो आप डिजीज़ को फैलने से रोक सकते हो और जो इकोनॉमिक ईल्ड है, जो हमारी उत्पादकता है, उस पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। लॉस असेसमेंट फॉर वार्निंग एक्चुअल इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड क्वान्टिटेटिव मॉडल। इसके थ्रू अगर हमें डिजीज़ का पूर्वानुमान है तो उस टाइम भी हमें कंट्रोल करने के लिए जो है इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे,
अगर हम पहले से ही तैयार हैं कि ये डिजीज़ जो है बहुत तेज़ी से फैलने वाली है और अब उसके कंट्रोल हमें पता चल जाता है, उस डिजीज़ का पूर्वानुमान हो जाता है, तो हम कंट्रोल मेजर जो है इजीली अप्लाई करके डिजीज़ को बहुत ज़्यादा घातक होने से रोक सकते हैं। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि डिजीज़ का फोरकास्टिंग कैसे किया जाए? प्लांट पैथोलॉजिस्ट एंड मेट्रोलॉजिस्ट हैव ऑफन कोलाबरेटेड टू डेवलप डिजीज़ फोरकास्टिंग और वार्निंग सिस्टम दैट अटेम्प्ट टू हेल्प ग्रोअर्स मेक इकोनॉमिक डिसीजन फॉर मैनेजिंग डिजीज़। तो डिजीज़ फोरकास्टिंग के अंदर एक तो मेट्रोलॉजिकल कौन है, जो कि जो भी टेम्परेचर क्या है, सॉइल कंडीशंस क्या हैं, इन सारे फैक्टर्स की स्टडी करते हैं। प्लांट पैथोलॉजिस्ट जो है उस डिजीज़ की क्या लाइफ साइकिल है, वो पैथोजन की क्या टेंडेंसी है, वो पता करता है। तो जब ये दोनों कोलाबरेट हो जाते हैं तो ये दोनों कोलाबरेशन द्वारा डिजीज़ का अच्छे से पूर्वानुमान लगा सकते हैं और जो भी इकोनॉमिक यील्ड का जो नुकसान है वो कम होने से बचाया जा सकता है, उसको मतलब डिजीज़ को रोका जा सकता है एक हद तक। दीज टाइप्स ऑफ वार्निंग सिस्टम्स मे कंसिस्ट ऑफ सपोर्टिंग ए प्रोड्यूसर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स फॉर अप्लाइंग पेस्टिसाइड्स, सेलेक्टिंग सीड्स और प्रोपागेशन मटेरियल्स और वेदर टू प्लांट ए क्रॉप इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो अगर वार्निंग सिस्टम के थ्रू यानी डिजीज़ का पूर्वानुमान अगर लग जाता है, इसका लाभ अगर ग्रोअर को मिल जाता है, तो ग्रोअर फिर डिसाइड कर सकता है कि इन कंडीशंस में किस तरह के सीड्स होने चाहिए, प्रोपागेटिंग मटेरियल जो है किस तरह का रेजिस्टेंट हमें यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से पेस्टिसाइड्स हैं इनको यूज़ करना चाहिए। तो अगर ये फार्मर को इस डिजीज़ फोरकास्टिंग के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसे डिसाइड करना इजी रहता है कि वह कौन से सीड ले, कौन से पेस्टिसाइड यूज़ करे, ताकि वो अपनी डिजीज़ से होने वाले नुकसान से फसल को बचा सके। किसी भी प्लांट डिजीज़ फॉरकास्टिंग सिस्टम के लिए क्या ज़रूरी है? फर्स्ट, रिलायबिलिटी। आप प्रॉपर डिजीज़ फॉरकास्टिंग तभी कर सकते हो जब वो रिलायबल हो, यानी जो भी आपके डेटा हैं, बायोलॉजिकल डेटा या एनवायरमेंटल डेटा, वो जो है साउंड हो, यानी वो क्लियर हो। सेकंड, सिंप्लिसिटी। द सिंपलर द सिस्टम द मोर लाइकली इट विल बी अप्लाइड एंड द यूज बाय प्रोड्यूसर्स। अगर डिजीज फॉरकास्टिंग का सिस्टम सिंपल है, यानी आप इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वो ग्रोअर्स के लिए इजी रहता है। इम्पोर्टेंस। द डिजीज़ इज ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस टू द क्रॉप बट स्पोरेडिक इनफ दैट द नीड फॉर ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन। तो फोरकास्टिंग के थ्रू आप जो है इकोनॉमिक लॉस को तो रोक सकते हो, लेकिन अगर वो डिजीज़ स्पोरेडिक है, यानी पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो डिजीज़ फैल रही है, तो आप इसका पूरा ट्रीटमेंट जो है तब इसमें की जरूरत नहीं होती। अगर पर्टिकुलर एरिया में है डिजीज़ तो उसे आप कंट्रोल कर सकते हो अपने लेवल पे, लेकिन अगर डिजीज़ एपिडेमिक के रूप में फैल रही है तो उसके लिए जो है वो सक्सेसफुल फॉरकास्टिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। यूजफुलनेस क्या है फॉरकास्टिंग सिस्टम की? द फॉरकास्टिंग मॉडल शुड बी अप्लाइड वेन द डिजीज़ और पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड रिलायबली। किसी भी डिजीज़ फॉरकास्टिंग का या किसी भी रोग का पूर्वानुमान हम तभी उसका यूज़ है, तभी उसका उपयोग है, जब हमें टाइम से डिजीज़ होने से पहले ही हम उसको पहचान सकें, डिटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट जो है पैरामीटर फॉरकास्टिंग सिस्टम के लिए कि वो सक्सेसफुल कब रहेगा, अवेलेबिलिटी। नेसेसिटी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द डिजीज ट्राइंगल शुड बी अवेलेबल। मल्टीपर्पज़ एप्लीकेबिलिटी। मॉनिटरिंग एंड डिसीजन मेकिंग टूल्स फॉर सेवरल डिजीज एंड पेस्ट शुड बी अवेलेबल। कॉस्ट इफेक्टिवनेस। फोरकास्टिंग सिस्टम शुड बी कॉस्ट अफोर्डेबल रिलेटिव टू अवेलेबल डिजीज मैनेजमेंट टैक्टिक्स। अब डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए फोरकास्टिंग सिस्टम दिया है। पूरा सिस्टम इन्होंने बताया है कि अगर कोई डिजीज़ है तो उसमें किन फैक्टर्स के आधार पे आप पूर्वानुमान, रोग का पूर्वानुमान लगा सकते हो ताकि जो इकोनॉमिक ईल्ड है उसमें कम नुकसान हो। तो पहला सिस्टम जो है स्टीवर्ड ने दिया था, और इन्होंने दिया था स्टीवर्ड्स डिजीज ऑफ कॉर्न और स्टीवर्ड्स विल्ट कॉज्ड बाय इट इरविनिया स्टीवर्डाई। जो मक्का है उसके अंदर एक डिजीज़ होती है स्टीवर्ड्स विल्ट, ये डिजीज़ जो है पैथोजन इरविनिया स्टीवर्डाई से होती है, जो कि फंगस है इससे होती है ये डिजीज़। द कॉर्न फ्लेयर बीटल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पैथोसिस्टम फॉर टू रीजन्स।
तो बैक्टीरिया के साथ साथ जो बीटल होता है, बीटल एक इंसेक्ट होता है, उस पर भी डिपेंड करता है इस डिजीज का। उसके दो रीजंस हैं, द बैक्टीरियम सर्वाइव द विंटर पीरियड इन द गट ऑफ एडल्ट कॉर्न फ्लिया बीटल्स दैट आर ओवर विंटरिंग एट द सॉइल सर्फेस इन ग्रासी एरिया सराउंड फील्ड। तो बैक्टीरिया जो है वो बीटल के अंदर सर्वाइव करता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है डिजीज के लिए। द कॉर्न फ्लिया बीटल इज द प्राइमरी मीन्स फॉर डिसेमिनेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, तो इसलिए बीटल के थ्रू जो होगा वो डिजीज तेजी से फैलेगी, तो इसलिए इस बीटल का भी इम्पोर्टेंट रोल है। वार्मर विंटर टेम्परेचर्स ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी एंड फेबररी जनरली अलाउ ग्रेटर नंबर्स ऑफ इंसेक्ट वैक्टर टू सर्वाइव। ये 3 मंथ हैं जिसमें ये जो इंसेक्ट है ये बहुत ईजिली सर्वाइव करता है, तो इसलिए पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये जो इसके अंदर जो बैक्टीरिया रहता है इर्विनिया वो तेजी से जो क्रॉप फील्ड है उसमें फैलाएगा डिजीज को। नेक्स्ट है पोटेटो लेट ब्लाइट डिजीज बाय फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, आलू के अंदर होने वाला लेट ब्लाइट रोग। ये जो है इसमें भी डिजीज फोरकास्टिंग के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो लिए गए हैं। फर्स्ट है अमाउंट ऑफ इनिशियल इनोकुलम इज वेरी लो। पोटेटो लेट ब्लाइट जो है इसलिए भी घातक है कि अगर बहुत इनोकुलम जो है काफ़ी कम होगा तो भी वो बहुत घातक होता है। डिजीज प्रोग्रेस रेट में भी वेरी हाई, पोटेंशियल लॉस इज हाई, प्रिवेंटिव स्प्रे आर इफेक्टिव। अगर ये डिजीज अकर होती है तो अगर आप स्प्रेज यूज करते हो, केमिकल स्प्रे करते हो फंजीसाइड्स का, क्योंकि फाइटोफथोरा क्या है, फंजाई है, फूमाइसिटीज का मेंबर है, तो अगर आप इसके लिए केमिकल स्प्रे यूज करते हो तो ये इस डिजीज को रोकने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। अब है कि आप इसकी फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हो कि लेट ब्लाइट डिजीज जो है वो होने वाली है या उसके चांसेस हैं डिजीज के फसल में होने के, तो इसके लिए क्या प्रेडिक्शन मेथड है। इसके लिए दिया गया है हाई रिस्क सिस्टम। लेट ब्लाइट अपीयर 7 to 14 days आफ्टर अक्यूमुलेशन ऑफ 10 rain फेवरेबल डेज सिंस इमरजेंस। तो लेट ब्लाइट डिजीज के लिए ये तब अपीयर होगी जब जो होगा, एक तो रेनी डे होगा और उसका जो टेम्परेचर है वो जो है 7 से लेके 25 के बीच हो, तो इस दौरान जो है ये फेवरेबल टेम्परेचर है डिजीज को फैलने के लिए। और अगर रेन क्वांटिटी जो है वो 30 mm से कम है 5 दिनों में तो भी डिजीज फोरकास्टिंग आप कर सकते हो। प्रिडिक्शन ऑफ द टाइम ऑफ लेट ब्लाइट ऑनसेट, इसके लिए सिस्टम दिया गया है वेलिन सिस्टम। लेट ब्लाइट अपीयर 7 to 14 days आफ्टर अक्यूमुलेशन ऑफ 18 to 20 सीवियरिटी वैल्यू सिंस इमरजेंस। इस पिक्चर में बता रखा है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका कितना असर पड़ता है। जैसे जैसे अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी तो जो डिजीज़ का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता जाएगा, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो वो डिजीज़ को डिजीज़ के लिए डिजीज़ होने के लिए फेवरेबल कंडीशन है। प्रिडिक्शन ऑफ द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ लेट ब्लाइट एंड डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ स्प्रे, तो अगर हमें पता चल गया कि अब डिजीज़ होने के चांसेस हैं तो हम कौन कौन से स्प्रे यूज़ कर सकते हैं वो इसमें दे रखा है चार्ट में। नो रेन फेवरेबल डेज ड्यूरिंग लास्ट 7 days, सीवियरिटी वैल्यूज ड्यूरिंग द लास्ट 7 days, तो इसमें दे रखा है कि अगर इसमें अगर सीवियरिटी वैल्यू 3 है, 3 से ज़्यादा है, तो हमें स्प्रे यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर डेटा अगर आपका 3 आ रहा है तो 3 तक अगर आपका है तो आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4, 5, 6 ये आ रहा है तो इसमें आपको स्प्रे शेड्यूल करना पड़ेगा, यानी स्प्रे करना पड़ेगा फंजीसाइड्स का, तभी आप डिजीज़ को रोक सकते हो। प्रिडिक्शन ऑफ डिजीज डेवलपमेंट इन रिलेशन टू होस्ट रेस्पॉन्स टू द पैथोजन, अब ये थर्ड डिजीज़ है जिसमें आप डिजीज़ फॉरकास्टिंग कैसे कर सकते हो। ये है अर्ली ब्लाइट डिजीज़ जो कि ऑल्टर्ड एरिया सोलेनाई से होता है। इसमें जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि इस ऑल्टर्ड एरिया सोलेनाई फंजाई के कारण जो है जो आलू है उसकी पत्तियों पर ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं
और एंड में ये पौधा जो डेड हो जाता है, पौधा अगर डेड हो जाएगा तो उसमें ट्यूबर्स भी नहीं बनेंगे। तो इस डिज़ीज़ को होने के लिए जो इनोकुलम जो है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, तभी डिज़ीज़ ये कर पाएगा। दूसरा, पैथोजन का जो है होस्ट के रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा डिजीज़ होने के लिए। अगर होस्ट रेजिस्टेंट है तो डिजीज़ हो नहीं पाएगा, ससेप्टिबल है तो वो इन्फेक्शन जो है तेज़ी से होगा। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, ये सिस्टम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिजीज़ फोरकास्टिंग के लिए। ए GIS इज ए कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन टू कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज, मैनेज एंड प्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ स्पेशल और जियोग्राफिकल डेटा। GIS प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट टूल्स दैट कैन बी अप्लाइड इन प्रिडिक्टिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीजेस। GIS कैन बी यूज टू डिटरमाइन द स्पेशल एक्सटेंट ऑफ डिजीज, टू आइडेंटिफाई स्पेशल पैटर्न्स ऑफ द डिजीज एंड लिंक द डिजीज टू ऑक्सिलरी स्पेशल डेटा। यूज ऑफ GIS टूल्स ऑन डेटा कलेक्टेड टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल इंटरवेंशन एरिया टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ बनानास एंड एंथ्रेसोनास वेट। तो GIS जो है कंप्यूटर सिस्टम है, इसके थ्रू आपकी जितनी भी मेट्रोलॉजिकल डेटा है, यानी जो पर्टिकुलर फील्ड है उसके अंदर सॉइल मॉइस्चर क्या है, सॉइल टेम्परेचर क्या है, एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी, एनवायरनमेंट कंडीशंस क्या हैं, टेम्परेचर कितना है एनवायरनमेंट का, ये सारे डेटा आप ले लोगे। इसके अलावा आप जो पैथोजन है उससे रिलेटेड कि उसका इन्फेक्शन टाइमिंग क्या है, उसकी डिजीज साइकिल कैसी है और वो किस तरह से सर्वाइव करता है, ये सारे डेटा अगर आपके पास है तो इन सबको आप मैनेज, इन सबको आप मैनिपुलेट करके, एनालाइज करके जो है डिजीज़ फोरकास्टिंग कर सकते हो। तो इसलिए GIS सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिजीज़ फोरकास्टिंग के लिए, यानी रोगों के पूर्वानुमान के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर टू कैलकुलेट रिस्क मैप। आपको अगर कोई डिजीज़ फोरकास्टिंग के लिए कोई, आपको कोई डिजीज़ फोरकास्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे कि अभी आपने बताया कि पहला स्टेप क्या होगा कि आपके पास मेट्रोलॉजिकल डेटा हो, जियोग्राफिकल डेटा हो, इन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के बाद फिर आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो कि डिजीज़ के जो है कितने चांसेस हैं और डिजीज़ अगर होती है तो उसका हमें कितना लॉस हो सकता है। तो यही डिजीज़ फोरकास्टिंग है। वी ट्रस्ट जो है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो वी ट्रस्ट होता है वो पक्सीनिया ग्रैमिनस टिटिसाई से होता है और ये वीट की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और ये इंडिया में काफ़ी कॉमन भी है ये डिजीज़। तो इसमें दे रखा है वी ट्रस्ट सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग मेथड्स, कि अगर पक्सीनिया से होने वाली डिजीज़ जो है रस्ट ऑफ रस्ट डिजीज़ जो है, जो कि पक्सीनिया ग्रैमिनस यानी रस्ट फंजाई से होती है, तो इसके लिए इसको मॉनिटरिंग, आप इस डिजीज़ को मॉनिटर कैसे कर सकते हो। फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वीट रस्ट इट इज असेंशियल टू कैरी आउट डिजीज सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन ऑन द इंसिडेंस द डिजीज टाइमली एंड एक्यूरेटली। फॉलोइंग थ्री अप्रोचेज आर जनरली यूज एंड बींग डेवलप फॉर डिजीज रस्ट मॉनिटरिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। तो वीट रस्ट के आपको मॉनिटरिंग करने के लिए आपको कौन से थ्री अप्रोचेज होनी चाहिए। फर्स्ट, फिनोटिपिक रस्ट असेसमेंट्स। रस्ट डिजीज़ के कारण जो फिनोटिपिकल करेक्टर्स आ रहे हैं उनको आप कैसे असेस करते हो उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा बायोकेमिकल लेवल और मॉलिकुलर लेवल पे उस डिजीज़ को आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इन तीनों के थ्रू आप जो रस्ट फंजाई है उसको, उसके प्रभाव को पता कर सकते हो। हालांकि ये जो मेथड है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी कंज्यूमिंग है और एरर भी इसमें देखा जा सकता है, लेकिन बायोकेमिकल और मॉलिकुलर डिटेक्शन आप कर लेते हो पैथोजन के अंदर पहले ही, तो आप डिजीज को काफ़ी हद तक बचा सकते हो। रिमोट सेंसिंग के थ्रू आप जो है वीट रस्ट डिजीज को कैसे फोरकास्ट कर सकते हो। इन रिसेंट ईयर्स सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इज मेड इन रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग वीट रस्ट ऑफ फॉलोइंग फोर लेवल्स। तो चार लेवल पे आप इस डिजीज को मॉनिटर कर सकते हो। पहला, सिंगल लीफ स्केल, सेकेंड कैनोपी स्केल, थर्ड फील्ड क्रॉप स्केल, फोर्थ कंट्रीज रीजनल स्केल। यानी कि फर्स्ट जो है वो लीफ पर जैसे डिजीज़ आता है तब आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, फिर धीरे धीरे वो फैल रहा है तब आप कर सकते हो, अगर वो पूरी फील्ड के अंदर फिर उसको मॉनिटरिंग कर सकते हो। चौथा लेवल होगा पूरी रीजन में उस डिजीज़ की कितनी सीवियरिटी है,
उसको आप पता कर सकते हैं। तो इन चार लेवल पे ही जो है डिजीज़ अगर चेक हो जाएगी तो डिजीज़ से होने वाला जो डैमेज है वो कम हो जाएगा। सक्सेस ऑफ फॉरकास्टिंग, किसी भी रोग का पूर्वानुमान लगाना जो है वो सफल रहे उसके लिए हमें किन पॉइंट्स की आवश्यकता है या उनके लिए कौन कौन से पॉइंट्स जरूरी हैं। द सक्सेस ऑफ ए फॉरकास्टिंग सिस्टम डिपेंड्स अमोंग अदर थिंग्स ऑन द कॉमननेस ऑफ एपिडेमिक्स, वो डिजीज़ जो है वो जो महामारी है वो कितनी कॉमन है उस पर्टिकुलर एरिया में। द एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शंस ऑफ एपिडेमिक रिस्क, तो उस डिजीज़ से होने वाले जो प्रिडिक्शंस हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए। अगर वो अच्छे से अगर उनकी एक्यूरेसी है, अगर आप प्रिडिक्शन बिल्कुल सही से ही कर लेते हो तो जो इकोनॉमिक ईल्ड में जो नुकसान होने वाला है उसको आप रोक सकते हो। द एबिलिटी टू डिलीवर प्रिडिक्शन इन ए टाइमली फैशन, डिजीज़ फॉरकास्टिंग जो है वो तभी यूज़फुल है अगर उसका डिजीज़ के विग्रस होने से पहले ही आपको पता चल जाए तो आप उसको रोक सकते हो। तो इसमें टाइम फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट ए कंट्रोल टैक्टिक, दूसरा आप जो फंजीसाइड्स एप्लीकेशंस कर रहे हो उनका जो यूज है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग ए प्रिडिक्टिव, तो ओवरऑल जो किसी भी प्रिडिक्टिव सिस्टम अगर यूजफुल है, प्रिडिक्टिव सिस्टम अगर बिल्कुल एक्यूरेट है तो वो सीधा सीधा इकोनॉमी पर प्रभाव डालता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक है डिजीज़ फॉरकास्टिंग। थैंक यू।